कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के नवीन जिला पंचायत भवन, नवीन राष्ट्रीय भवन और वीर सावरकर सरोवर, जीर्णोद्वार व म्यूजिकल फाउंटेन का आज वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्टर सिरोल मार्ग पर नवीन जिला पंचायत भवन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। तो वहीं जिले के प्रभारी जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मौजूद थे। दरअसल विवेकानंद नीडम मार्ग पर 65,49,00,000 रुपए की राशि से राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मंडल आयुक्त भू अभिलेख का बंदोबस्त तथा संभाग आयुक्त ग्वालियर के कार्यालय का निर्माण किया गया। इस भवन में अत्याधुनिक तकनीकी से अलग अलग पार्किंग सहित 4 मंजिल संयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण निर्माण किया गया। संयुक्त कार्यालय भवन परिसर लगभग 8.80 एकड़ क्षेत्र में फैला है। तो वहीं कलेक्टर सिरोल रोड पर लगभग 3,71,00,000 रुपये की लागत से 3,280 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अत्याधुनिक जिला पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वीर सावरकर सरोवर को स्मार्ट सिटी द्वारा सवारा गया है, जहां पर म्यूजिकल फुहारा लगाया गया है, जिसका भी आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वर्चुअली जुड़े सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वीर सावरकर सरोवर ग्वालियर का गौरव बढ़ाएगा, ग्वालियर का भव्य गौरव दिवस मनाने की बात भी कही, जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाने का प्रस्ताव जारी है। इसके लिए सीएम ने अपील भी, ग्वालियर के गौरव को बढ़ाने के लिए सब जुटे, ऐसा आयोजन हो, आप लोग विचार करें। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भी मास्टर प्लान बनाने की बात सीएम ने अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि जिला और संभाग स्तर पर मास्टर प्लान बनाए और अद्भुत विकसित ग्वालियर बनाए। हमारे देश के हर वीर सपूत जिसने भारत माता की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है, हर देशवासी, आने वाले हर एक पीढ़ी ऐसे हमारे अमर शहीदों के लिए दिल से, दिल की अंदरानी से सदैव ऋणी रहेगा। और आज ऐसे वीर सपूत और वीर शहीद हम सब के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है।